सबसे पहले इंटीरियर में यहाँ पे बेसिक फैब्रिक की सीट आती थी, तो उसमें इतना कंफर्ट नहीं मिलता था, लुक भी नहीं मिलता था और सीट जल्दी ख़राब भी हो जाती है। तो उसको रिप्लेस करके हमने यहाँ पे इसमें बकेट फिट सीट कवर ऐड किए। एप्पल कार पे एंड्रॉइड वायरलेस मिलता है, 4+32GB कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, 360 सपोर्टेबल ये रहने वाला है प्लेयर। जो ओनर थे वो लेने जा रहे थे टॉप एंड मॉडल, बट जब उन्होंने टॉप एंड मॉडल का साउंड सिस्टम सुना तो काफ़ी ज़्यादा उनको मतलब मज़ा ही नहीं आया, क्योंकि वो हाय गाइज वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हमारे पास आई थी किया सोनेट बेस मॉडल, जिसको हमने बेस रूटॉप पूरा कन्वर्ट किया है। जो क्लाइंट थे वो पहले टॉप एंड मॉडल लेने जा रहे थे, बट जब उन्होंने टॉप एंड मॉडल का साउंड सिस्टम चेक किया तो उनको बिल्कुल मज़ा नहीं आया, क्योंकि वो है एक साउंड को उनको बहुत पसंद है, अच्छा एक साउंड उनको गाड़ी में चाहिए। तो फिर हमने उनको सजेस्ट किया कि हम वो बेस मॉडल लेकर उसको हम टॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक बेटर साउंड के साथ, एक बेटर उसको एक्सटीरियर लुक देने के साथ में। तो बात करते हैं इसकी अपग्रेडेशन की। सबसे पहले हमने जो सारे काम किए इसमें एक प्रीमियम क्वालिटी का वर्क किया है, जो मैं आपको एक एक करके हर चीज़ की डिटेल बताऊंगा और आखिरी में इसकी प्राइसिंग भी शेयर करूंगा कि अराउंड क्या प्राइसिंग इस टोटल गाड़ी की गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं साउंड की। तो हमने जो सिस्टम इसमें लगाया, हमने ब्लॉपंग का लॉडरडेल लगाया, जो कि फ्लैगशिप मॉडल है इसका, सबसे टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है इसका। एप्पल कार पे एंड्रॉइड वायरलेस मिलता है, 4+32GB कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, 360 सपोर्टेबल ये रहने वाला है प्लेयर। स्पीकर इसमें नहीं आते, तो हमने सोनी के ES सीरीज़ जो कि हाईरेस ऑडियो रहने वाला है, आगे हमने फ्रंट में लगाए कंपोनेंट सोनी ES के। रियर में हमने लगाए इसके कोएक्सियल स्पीकर, जो सोनी ES है, एक प्रीमियम क्वालिटी का ब्रांड है, हाईरेस ऑडियो रहने वाला है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी साउंड क्वालिटी ये प्रोड्यूस करता है। उसके बाद में जो एम्पलीफायर इसमें हमने ऐड किया है, हमने सोनी का ही GS4 एम्पलीफायर ऐड किया है, जो कि हाईरेस ऑडियो रहने वाला है, ये भी टॉप ऑफ द लाइन एम्पलीफायर लेने वाला है। और बजट की बात करें, एक अच्छे बजट में ये एम्पलीफायर ऑफर होता है, तो अगर आपको प्रीमियम प्रोडक्ट पर जाना है तो सोनी ES पे आप रिलाय कर सकते हैं। फिर चलते हैं इसकी साइड में, आपको दिखाता हूँ हमने साइड में क्या अपग्रेड किया है। तो यहाँ पे जो टायर आते थे अलॉय नहीं आते थे कंपनी से, टायर 15 इंच आते थे, उसको हमने चेंज करके हमने इसमें 16 इंच टायर अपग्रेड किया है, 16 इंच के अलॉय अपग्रेड किए। अलॉय जो रहने वाले आफ्टर मार्केट रहने वाले, जिसकी क्वालिटी एक टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी रहने वाली है, आपको वारंटी के साथ मिलते हैं अलॉय, तो इसमें ब्रेकेज की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, तो टॉप ऑफ द लाइन अलॉय रहने वाले। टायर देख सकते हैं हमने गुडियर के टायर इसमें यूज़ किए हैं 16 इंचेस में, 15 इंच टायर हमने कस्टमर से एक्सचेंज कर लिए थे, 16 हमने अपग्रेड किया है। उससे जो गाड़ी की प्रोफाइल है, पहले जो गाड़ी की प्रोफाइल दिखती थी और जो अब गाड़ी की प्रोफाइल है, काफ़ी ज़्यादा मेजर डिफरेंस आ गया है, क्योंकि जो पहले बेसिक मॉडल दिखती थी गाड़ी और अब ये टॉप के भी ऊपर दिख रही है अलॉय लगने के बाद में, और जो गाड़ी का एक बोल्ड लुक है वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो गया है। लुक एनहांस करने के लिए हमने इसको डुअल टोन में प्रॉपर रैप भी किया है, क्योंकि ये सिंगल टोन आती थी गाड़ी, तो हमने इसमें डुअल टोन रैप भी किया, क्योंकि सोनेट में वेरिएंट आते हैं डुअल टोन, तो हमने सेम वैसा कुछ इसको टच दिया है, जिसकी आप फिनिशिंग क्वालिटी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रहने वाली है। प्रॉपर हमने इसको पूरा सी पिलर तक प्रॉपर इसको रैप किया गया है, हमने पूरी रूफ इसको रैप की है, पूरा डुअल टोन हमने इसको लुक दिया है, साइड मिरर भी हमने इसकी ओआरवीएम भी रैप की है सेम इसमें। उसके बाद में हमने यहाँ पे एक रूफ रेल भी ऐड की है, जो कि बेसिकली इसको और एक जो बल्कि प्रोफाइल है वो ये रूफ रेल इसको दे रही है। डोर वाइज़र यहाँ पे ऐड किए हैं, एक विंडो गार्निश हमने ऐड की है, जिससे गाड़ी का जो साइड की प्रोफाइल है और भी इनहांस करती है चीज़ें लगने के बाद में। इसके बाद में साउंड हमने इतना अच्छा अपग्रेड किया है, तो इसमें डैम्पिंग की रिक्वायरमेंट तो होती ही है, तो हमने इसमें साउंड डैम्पिंग भी करी है, जिसका मैं आपको इफेक्ट दिखाता हूँ। तो हमने डबल लेयर साउंड डैम्पिंग करी है इसमें, ये देख सकते हैं हमारा बिफोर का पैनल है और आफ्टर डैम्पिंग आप इफेक्ट देख ही सकते हैं। तो डैम्पिंग के बाद जो एक्सटर्नल नॉइजेज होती हैं, जो हमारे इंजन का नॉइज़ है, एक्सटर्नल नॉइजेज है, जो हॉलो साउंड है, वो डैम्पिंग ख़त्म कर देती है। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में, इंटीरियर में दिखाता हूँ हमने इसमें क्या क्या अपग्रेड्स करे हैं। सबसे पहले इंटीरियर में यहाँ पे बेसिक फैब्रिक की सीट आती थी, तो उसमें इतना कंफर्ट नहीं मिलता था, लुक भी नहीं मिलता था और सीट जल्दी ख़राब भी हो जाती है, तो उसको रिप्लेस करके हमने यहाँ पे इसमें बकेट फिट सीट कवर ऐड किए, जो कि आपको प्रॉपर परफोरेशन के साथ मिलने वाले हैं। जो कलर कॉम्बिनेशन रहने वाला है आइवरी टच में रहने वाला है, इसका पूरा हमने इंटीरियर किया है, सेम हमने आर्मरेस्ट को रैप किया है, सेम आप देखेंगे इसके डोर पैनल पर हमने सेम अपहोल्स्ट्री करी है, जिससे जो इंटीरियर का पूरा जो टच है, एक टॉप मॉडल का टच इसको मिलता है, तो हमने सेम पूरा इसका इंटीरियर तैयार किया। गाड़ी आपको थोड़ी सी गंदी दिख रही होगी, क्योंकि ये हमने गाड़ी 15-20 दिन पहले तैयार करी थी, तो हमने हम तब वीडियो नहीं ले पाए थे इसकी, अभी हमने पर्सनली गाड़ी बुलवाई है सिर्फ वीडियो लेने के लिए। तो आप देख सकते हैं फिटिंग फिनिशिंग देख सकते हैं, बकेट फिटिंग सीट का रहने वाले हैं, सोनेट की आपको बैजिंग मिलेगी, परफोरेशन यहाँ पर रहने वाला है, आमरेस की भी देख सकते हैं प्रॉपर इसकी फिटिंग, पूरी स्नग फिटिंग रहने वाली है, और डोर की अपोर्ट्री भी आप फिटिंग फिनिशिंग चेक कर सकते हैं।
तो आपको प्रीमियम टच इसमें मिलने वाला है। सेम एज वेल हमने रियर के डोर पे भी करा है, तो रियर के डोर पे भी आप चेक कर सकते हैं। सेम एज वेल हमने रियर के डोर पे भी करा है। फिटिंग सीट की भी देख सकते हैं रियर में कि आपको कैसी क्या फिटिंग मिलने को देखने को मिल रही है। प्रॉपर इसमें बकेट फिटिंग करी गई है। रियर में पावर विंडो नहीं आती है तो हमने प्रॉपर इसमें देख सकते हैं पावर विंडो भी हमने इसमें ऐड करी है। तो रियर में पावर विंडो भी नहीं आती है, हमने प्रॉपर इसमें पावर विंडो भी ऐड की है जो हमारी 1 ईयर वारंटी के साथ में प्रोवाइड होती है। तो यहाँ पे पावर विंडो प्रॉपर वर्किंग है दोनों साइड पे। कंपनी से रियर पावर विंडो भी नहीं आती तो पावर विंडो भी हमने इसमें प्रॉपर वर्किंग करी है। उसके बाद में इस गाड़ी में सेंटर लॉकिंग नहीं आता था तो हमने फ्लिप की वाला सेंटर लॉक भी अपग्रेड किया है, जो कि टॉप एंड मॉडल में आपको देखने को मिलता है। सेम फ्लिप की वाला हमने सेंटर लॉक भी इसमें अपग्रेड किया है। उसके बाद में यहाँ पे 70 मैटिंग भी हमने अपग्रेड करी है। सबसे प्रीमियम क्वालिटी की 70 मैटिंग भी, अभी गंदी दिख रही है आपको बट हमने 70 मैटिंग भी इसमें अपग्रेड की है। प्रीमियम क्वालिटी की रहने वाली 70 मैटिंग। यहाँ पे देख सकते हैं आप स्टेयरिंग कंट्रोल नहीं आते इस मॉडल में। यहाँ पे दोनों साइड में बेसिक आता है तो स्टेयरिंग कंट्रोल भी हमने किया कि जेन्युइन स्टेयरिंग कंट्रोल भी ऐड किया जो कि हमारे प्रॉपर प्लेयर के साथ कैलिब्रेटेड रहने वाले हैं। सनग्लास होल्डर भी हमने इसमें ऐड किया है, देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ पे क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ती है सनग्लास होल्डर में, टॉप मॉडल में आता ही है। यहाँ पे सनग्लास होल्डर भी प्रॉपर हमने ऐड किया है प्रॉपर इसका फिनिशिंग के साथ में। प्लेयर की आप एक फिटमेंट चेक कर सकते हैं, एक क्वालिटी चेक कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम आपको क्वालिटी देखने को मिल रही है प्लेयर की। और टच इसमें आपको टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी प्रीमियम है। साउंड में आपको इसका चेक कराऊंगा कि कैसा ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। फ्रेम जो हमने यूज़ करी हमने सेम ग्लॉस फिनिश में करी है जो कि एक टॉप एंड मॉडल का इसको फील दे रही है। तो देख सकते हैं फिटिंग फिनिशिंग आप ऐसी कुछ है। अब मैं आपको उसकी सुनाता हूँ साउंड क्वालिटी। साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प एंड क्लीन है इसकी। और ऊपर से जो वूफर इफेक्ट है वो भी आपको सोनी है इसके स्पीकर में मिलता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसके बाद आपको एक सब वूफर ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि आपको इसमें एक वूफर स्पीकर ये स्पीकर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आपको साउंड क्वालिटी कैसी लगी आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यही सब थी इस सोनेट कार की मॉडिफिकेशन। बात करें इसकी टोटल प्राइसिंग की तो अराउंड इसमें टोटल प्राइसिंग जो गई थी वो 180,000 के अराउंड को जिसकी प्राइसिंग गई, जो हमने पूरा इसमें जो बेस टू टॉप किया है अलॉय सिस्टम स्पीकर, क्योंकि जो मेन बजट है वो इनके अलॉय टायर्स का एंड जो इसके सिस्टम और जो स्पीकर हमने लगाए मेन जो बजट है वो उन चीज़ों में गया। बाकी जो बहुत सारी चीज़ें थी वो छोटी छोटी चीज़ें थी तो 180,000 का बजट गया है। बाकी हमारे पास जो बेस टू टॉप है 40,000 से स्टार्ट हो जाता है, देन इट गोज़ अप टू 2 लाख। तो आपके बजट एंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको कैसी की क्वालिटी चूज़ करनी है। आपको हमारा काम पसंद आया या आपको अपनी गाड़ी में ऐसा कुछ प्रीमियम मॉडिफिकेशन करवाना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं न्यू फ्रेंड्स कार डेकोर पे। हमारा स्टोर इंदौर में लोकेटेड है शास्त्री मार्केट में, इंदौर प्रीमियम कॉपरेटिव बैंक के सामने। नंबर भी आपको नीचे डिस्प्ले हो जाएगा तो आप कॉल करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, तो हमारा वहाँ पे भी न्यू फ्रेंड्स कार डेकोर के नाम से है जिस पे हम रील्स वगैरह अपलोड करते रहते हैं ऑन अ डेली बेसिस। तो वो भी हमारा पेज भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और जो भी आपके दोस्त हैं जो सोनेट खरीद रहा है, जो खरीद चुका है, जिसको कंफ्यूज है क्या करवाना चाहिए, आप उन्हें भी कमेंट सेक्शन में टैग कर सकते हैं। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।